दोस्तों मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मनीष शर्मा फिटनेस चैनल पर। और आज मैं बात करूंगा कार्डियो की। कार्डियो एक टाइप की फिजिकल एक्टिविटी है जिसे करने से हमारा हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाता है और फैट एंड ग्लाइकोजन एनर्जी सोर्स में यूज होता है। और इसे करने से ऑर्गन्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करता है, एंडोरेंस इंक्रीज होती है और इसके साथ ही साथ बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। एंड एक्सरसाइज हार्ट मसल को एक्सलेट करती है डिजायर नंबर ऑफ कंट्रैक्शन के ऊपर, जिससे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल प्रोसेस एक्टिव होती है। और दोस्तों इसे हमें एक स्पेसिफिक लिमिट में करना चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा इसे एक्सेस में करते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। सो इसे एक लिमिट में करें ताकि आपको इसके प्रॉपर पूरे बेनिफिट मिल पाएँ। और बात करें अब इसके हेल्थ बेनिफिट की, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। ये हमारे कैलोरीज बर्न करने में, एंडोरेंस इंक्रीज करने में तो हेल्प करता ही है। इसके अलावा ये हमारे लंग्स को वेंटिलेटेड रखता है, उसमें प्रॉपर हवा पहुंचाता है और हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को सप्लाई को अच्छा रखता है और हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एंड इसके अलावा ये डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से भी बचाता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है एंड हार्मोन लेवल को ठीक रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है एंड बोन टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। सो इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। बट एक चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है, आप किसी भी टाइप की कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाता है जब आप एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, उसमें एक सही आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऐड ऑन करते हैं अपनी डाइट में, जो भी आप मील में लेते हैं उसमें, तभी आपको इसके सही बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अब बात करें कि इसे हमें कब करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप अपना मसल गेन करना चाहते हैं तो इसे आपको एक्सरसाइज के बाद करना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है, अगर आप बिफोर वर्कआउट इसे करेंगे तो आप थक जाएंगे, आप अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर लेंगे और ड्यूरिंग वर्कआउट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे स्ट्रेंथ की, तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, अपनी वर्कआउट कीजिए, देन उसके बाद आप कार्डियो कीजिए। और बात करें कि इसे आपको हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, तो अगर आप हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको वीक में इसे 2 बार करना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इसे हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप इसे मॉर्निंग खाली पेट करें, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। सो दोस्तों ये था कार्डियो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।